जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की ये जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। आपको बता दूं कि ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए सभी लड़के लड़कियों का जिनका भी रिजल्ट आ गया है और लिस्ट में नाम है, ठीक है। बात करेंगे कट ऑफ कितने पे गया था, किन लड़कों का हुआ है, कितने सेंटर का आया है और जो बाकी का सेंटर है उनका कब तक आएगा, और आपकी जो फिजिकल की डेट है वो क्या निर्धारित की गई है, किस महीने से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा, और आपको कैटेगरी वाइज कराएगा जीडी, क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, फिर अग्निवीर वूमेन, ऐसे आपका होगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम का शेड्यूल आया था उसी प्रकार से। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि आज है आपका 22 तारीख, ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि अभी सिर्फ 9 सेंटर का आपका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यारो, यहाँ पे बिहार, झारखंड, बहरामपुर, कटक हो गया, गोलखपुर, कोलकाता, संबलपुर, सिलीगुड़ी, दिल्ली, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, जयपुर, ठीक है, जेआरओ, यहाँ पे ये शॉर्टलिस्टेड है चेन्नई वाले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं अम्बाला वाले हैं, ठीक है, अग्निवीर के, इस पर डी फर्मा, बी फर्मा, मतलब सारे ट्रेड का आया है, जहाँ जिस सेंटर का है सारे ट्रेड का है, ए टू जेड सारे ट्रेड का है, ठीक है। उसके बाद यहाँ जबलपुर देख लेते हैं जोन का, उसके बाद यहाँ कोलकाता का हर स्टूडेंट का आया है, उसके बाद यहाँ पे नीचे मध्य प्रदेश का देख लेते हैं और छत्तीसगढ़ का आया है, उसके बाद दिल्ली का आया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिहार और झारखंड का आया है, ठीक है, एक साथ दो दो स्टेट का है, क्योंकि जो आसपास बगल के स्टेट हैं उनके साथ ही में आए, क्योंकि हो सके तो उनके सेंटर भी एक ही डाल दे, ठीक है, लेकिन सेंटर फिजिकल का एक ही रहेगा, ठीक है, उनके जहाँ पे आसपास जो भी सेंटर पड़ता है, ठीक है। और आपको बता दूं कि कट ऑफ की अगर बात कर लें तो कट ऑफ आपका क्या रहा है, जैसे ये मान लीजिए जीडी के बच्चे हैं, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, और ये जयपुर का है, तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं। एक पेज पर अगर 250 लड़के हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्टलिस्टेड में ये आपके 500 हो गए हैं, ये आपके 750 हो गए हैं, ये आपके हो गया 1000, ये आपके 1500 हो गए, उसके बाद ये हो गए 2000, फिर उसके बाद हो गए आपके 2500, ठीक है, 3000, ठीक है, और यहाँ नीचे आ जाते हैं तो 3500, उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो 4000, 5000, ऐसे ही नीचे बहुत जो मेरिट गई है ये है, मेन जो कट ऑफ आपका गया है ये गया है। देखिए अग्निवीर जीडी का 50% से ऊपर जिनका भी नंबर था उनका लिस्ट में नाम आया है, ठीक है, 50 से 60% के बीच में जिनका था नंबर, अच्छा स्कोर था, जैसे 50 क्वेश्चन में से उन्होंने 25 से 30 क्वेश्चन टच किए थे सही सही माइनस मार्किंग को करके, उनका लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। वैसे टेक्निकल वालों का 50%, ठीक है, यहाँ पे ट्रेडमैन वालों का भी 50% अगर किए हैं तो आया है, लड़कियों का 40% था, और ऑल आर्म जीडी के लिए ऑल इंडिया जो नेपाली गोरखा वोरखा रहते हैं उनके लिए 45%, चाहे आसाम, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे थोड़ी लड़के का स्कोर कम होता है पढ़ने वालों का, उसका सबसे कम था 45%, ठीक है, इतना अगर वो लोग किए थे तो उनका कट ऑफ में नाम आया है। अब रही बात फिजिकल की, फिजिकल कब होगा, फिजिकल की डेट आपको पता चल जानी चाहिए, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही फिजिकल की डेट के यहाँ पे अनाउंसमेंट आपको, एक मिनट, आज 5 अप्रैल है, ये तो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है, ठीक है, यहाँ पे रैली नोटिफिकेशन में जैसे सीईई रिजल्ट की नोटिफिकेशन थी उसी तरह आपको रैली नोटिफिकेशन भी आपको दिख जाएगी, अंडर आपको ये सेकेंड वीक चल रहा है ना, थर्ड वीक, ठीक है, थर्ड वीक ये आ गया, और आपको फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में आपको रैली का ऑप्शन दिख जाएगा, यहीं पे रैली प्रोग्राम, रैली नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा, अपना चेक कर सकते हैं, रैली प्रोग्राम पे आना, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना, जैसे उत्तर प्रदेश के होंगे, और आपका जैसे कौन सा है, वाराणसी मान लो सेंटर आपका है, ठीक है, बनारस, तो सर्च कर लेना कि मेरा कब होगा, तो यहाँ पर आपको डेट दिखा देगा कि देखो जीडी क्लर्क टेक में रिलीजन टीचर किस किस ट्रेड का कब होने वाला है, यहाँ पे आपको डेट दिखा देगा फर्स्ट वीक में, ठीक है। उसके बाद आपको दौड़ने के लिए कम से कम आपको फिर भी 15 से 30 दिन का समय, एक महीने का समय पर्याप्त अभी आप लोग के पास है रिजल्ट आने के बाद भी। और ये एडमिट कार्ड जब फिजिकल का डाउनलोड करेंगे ना, यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, अपना एडमिट कार्ड जब यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे फिजिकल का जो एडमिट कार्ड यहाँ पे कॉर्नर में प्रोफाइल जब लॉगिन हो जाएगी तो यहाँ पर आपको दिखाएगा
कि डाउनलोड योर फिजिकल एडमिट कार्ड PST, तो उस पर आप डाउनलोड कर लेंगे और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को लेके वहाँ पे सेंटर पे जाएंगे। और सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है आई होप ये पता होगा, नहीं पता है तो कमेंट करो, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दी जाएगी जो नई अपडेट आई है, ठीक है। आई होप और कुछ आप लोग को नहीं बताना होगा, सब कुछ बता दिया मैंने। और रिजल्ट वाकई बढ़िया था, लेकिन अगली बार कट ऑफ हो सके तो और हाई जाए, क्योंकि इस बार पहला था ऑनलाइन एग्ज़ाम आर्मी का जो हुआ है, नहीं तो इससे पहले सदियों से ऑफलाइन ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन है तो इस बार ज़्यादा लड़कों को सेलेक्ट किया गया है, अगली बार हो सके तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। 50 है तो वो 60 हो जाएगा, 60 है तो 70 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, मीडियम में रहेगा, उससे ऊपर एवरेज में ही रहेगा। तो पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी फील्ड में, ठीक है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो नहीं पढ़ते हैं तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो पढ़ाई के बिना कहीं गुजारा नहीं होगा, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में। नॉलेज आपको चाहिए तो चाहिए, नहीं तो फिर लेबर वर्क के लिए क्या, कुछ नहीं, 8वीं पास हैं फिर भी लेबर वर्क में लग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।